गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टडी कर रहे थे, है ना। इसमें हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि हमारी जो ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम कौन कौन से एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटीरियल एंड डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। देन हमने एक कॉस्ट शीट भी स्टडी की थी जो कि विदाउट स्टॉक्स थी, ना उसमें वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक था और ना ही फिनिश गुड्स का, ठीक है। हमने इस तरह से एक कॉस्ट शीट पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि डायरेक्ट मटीरियल एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड से मिलकर प्राइम कॉस्ट बनती है, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किए तो वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड किए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से टोटल कॉस्ट, है ना, एंड प्रॉफिट ऐड किया तो टोटल सेल्स। ये हमारी कॉस्ट शीट थी विदाउट स्टॉक्स। लेकिन बच्चों, कोई भी प्रोडक्शन बिना स्टॉक्स के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने अपने पीरियड्स को अकाउंटिंग पीरियड्स में बांटा हुआ है। हम एक साल में अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो अगर हम देखें तो किसी भी ईयर की स्टार्टिंग में या किसी भी ईयर के एंड में कुछ ना कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स तो होंगे ही होंगे, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस के हों, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स के हों, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कॉस्ट शीट स्टडी करते हैं जिसमें हम अपने स्टॉक्स को इंक्लूड करेंगे, और वही प्रॉपर कॉस्ट शीट होती है जो सारी चीज़ों को इंक्लूड करती है। तो देखिए उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग अपनी कॉस्ट शीट स्टडी करते हैं विद स्टॉक्स, है ना। देखिए, सबसे पहले आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि हमने जो भी हमारा मटेरियल है कितना कंज्यूम किया है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ओपनिंग स्टॉक अगर आपके पास रॉ मटेरियल, कच्चे माल का कोई भी पहले से स्टॉक था तो वो, प्लस उस मटेरियल से रिलेटेड आपने अगर कोई भी एक्सपेंसेस किए, जैसे कि कोई ऑक्टरी चुंगी पे की है आपने उस पर, है ना, प्लस उसके लिए कोई कैरिएज पे किया है उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, या कोई और एक्सपेंसेस किए हैं आपने, है ना, तो वो सब इस डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होगा। इसमें अगर कोई रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है तो वो हम माइनस कर देते हैं, इसको हम अलग से स्टडी करेंगे, नहीं तो हमारी कॉस्ट शीट बहुत लंबी हो जाएगी। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इन तीनों को मिलकर बनती है हमारी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये वही कॉमन है जो हमने पहले पढ़ा था, आई होप आपको समझ आ गया। देन इसके बाद अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड कर दें, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दें तो हमारी क्या आ जाती थी, वर्क्स कॉस्ट, है ना। लेकिन यहाँ पर इसमें एक दो एडजस्टमेंट्स और करने हैं हमको। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड कीजिए फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन इस फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम वर्क्स ओवरहेड्स भी कहते हैं। इसमें अगर हमारी कोई भी स्क्रैप है, कबाड़ा जिसको हम बोलते हैं एक सिंपल वर्ड में, डेली यूज़ में, अगर आपका कोई भी ओल्ड अनयूजेबल मटेरियल है जिसे कि आप सेल करके कुछ भी रियलाइज़ करते हैं, कोई भी राशि आपको प्राप्त होती है, तो उस सेल ऑफ स्क्रैप से मिलने वाले अमाउंट से हम इन एक्सपेंसेस को कम कर देते हैं। तो मैं यहाँ माइनस कर देती हूँ, लेस कर दूँ इसमें सेल ऑफ स्क्रैप। अगर स्क्रैप की सेल से मुझे कुछ भी रियलाइज़ हुआ तो वो यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा। अच्छा बच्चों, फिर मैंने आपसे बात की वर्क इन प्रोग्रेस की। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी रॉ मटेरियल पर काम कर रहे हैं और वो एग्जैक्ट सपोज 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। कोई भी ऐसा माल नहीं होगा जिस पर कुछ काम किया हुआ है और कुछ काम करना बाकी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जो काम अभी भी प्रगति पर है, ठीक है। तो ऐसा माल जिस पर कि आपने कुछ काम तो कर दिया है और कुछ करना बाकी है, उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। तो उसका अगर कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका एडजस्टमेंट आपको यहाँ करना होगा। आप इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। और फिर अब आपके पास जो आता है उसको आप बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। ये सही मायनों में हमारी क्या होती है, वर्क्स कॉस्ट। या फिर जिसे फैक्ट्री कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ पर क्या चेंज हुआ, एक तो अगर स्क्रैप की सेल से कुछ भी रियलाइज़ हो रहा है तो उसे माइनस कर दीजिए, दूसरा ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर करना होगा, तो जो आएगी वो हमारी वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट होगी। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं, उनका एडजस्टमेंट हम यहाँ पर कर दें, तो इसमें ऐड कर दीजिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, अगर कुछ भी हैं तो। इन्हें ऐड करके जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन की लागत, है ना। ये आपको टर्म्स बच्चों इंग्लिश में ही लर्न करनी है, क्योंकि ये जो कॉस्ट शीट होगी वो हिंदी में प्रिपेयर नहीं होगी, इंग्लिश में ही होगी। ओके, तो ये वर्क्स कॉस्ट, ये जो फैक्ट्री कॉस्ट थी, कारखाना लागत थी, इसमें कार्यालय और प्रशासनिक व्यय जोड़ दिए, और अब जो आया वो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन की लागत, है ना। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई कि मैंने इतने प्रोडक्शन पर इतना पैसा खर्च किया, लेकिन अब अगर मेरे पास पहले से कोई फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है तो यहाँ पर मैं उसका एडजस्टमेंट कर दूंगी। मैं यहाँ से इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी मेरी सी नंबर पे, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड कर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब क्या है? जो माल पूरी तरह से तैयार है, सेल करने को जो माल पूरी तरह से तैयार है, ठीक है। ये आया, अब इसको करके जो हमारे पास आया उसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों बेचे गए माल की लागत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, क्योंकि आपने इसमें फिनिश गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड और लेस कर दिया, जो भी उसका कॉस्ट था उस पर, तो ये बेचे गए माल की लागत आ गई। अब इसके अंदर मैं क्या करूँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर दूँ, तो ऐड कर दीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करके क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट में हम क्या ऐड कर दें, प्रॉफिट, और अगर लॉस हो जाता है तो आप उसे लेस कर देंगे, और अब जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, हमारा सेल्स। ये हमारी प्रॉपर कॉस्ट शीट होती है, जिसमें हमने तीन मेन चेंजेस आपने इसमें देखे होंगे, सिंपल वाली से प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स जब आप ऐड करते हैं तो स्क्रैप से अगर कुछ भी मिल रहा है तो उसे हम माइनस कर दीजिए, ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट करेंगे, तो जो मिलेगा दैट इज़ वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इस वर्क्स कॉस्ट में आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चेंज करना है फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, तो जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट है तो ऐड कर दीजिए, लॉस है तो लेस कर दीजिए, तो ये हमारी सेल्स आ जाएगी। इसमें आपको फिर एक बात और याद रखनी है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं ये सिर्फ सोल्ड यूनिट्स पर लगते हैं, बेची गई इकाइयों पर। हो सकता है कि आपके पास स्टॉक 1000 यूनिट्स का हो लेकिन बिकी केवल 800 यूनिट्स हैं, तो 800 यूनिट सेल हुई हैं तो उन्हीं पर तो सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, है ना। तो उसको नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट में मार्क करके लिख लीजिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स आर चार्ज्ड ओनली ऑन सोल्ड यूनिट्स, यानी कि विक्रय एवं वितरण व्यय केवल बेची गई इकाइयों पर ही लगाए जाते हैं। आगे हम इसके यूनिट कॉस्टिंग पढ़ेंगे जो इस पर ही बेस चैप्टर है, वहां पर आपको ये पॉइंट काफी काम आएगा, ठीक है बच्चों। अब हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं कि किस तरीके से हम इस कॉस्ट शीट का यूज़ करते हैं अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करने में। तो देख,
इसमें जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की मैंने आपसे बात की थी, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का जो भी ओपनिंग स्टॉक आपका क्वेश्चन में मेंशन है। देन अगर आपने इस पर कोई ऑक्ट्री पे की है, ठीक है, चुंगी, या फिर कोई भी कैरिज इन वर्ड्स है आपका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, कैरिज इन वर्ड्स है माल को लाने में कोई खर्चा आपने किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई भी हैं, फिर इसमें लेस कर दीजिए आप क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कुछ है, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल्स, किसी भी वजह से आपका रॉ मटेरियल कम हो जाता है, कोई डिफेक्टिव माल आपने वापस किया है, कोई माल थेफ्ट चोरी हो गया या किसी भी तरह का लॉस हो गया है उसमें, ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। आप कहेंगे मैडम सेल ऑफ स्क्रैप तो आपने फैक्ट्री में लिखवा दिया था, लेकिन पर्टिकुलर स्पेसिफाइड है कि ये रॉ मटेरियल का स्क्रैप है, तो फिर उसको हम यहाँ लेस कर देंगे, उससे हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती है और इस तरह से जो आता है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है ना। तो क्वेश्चन में अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें दी हैं तो आपको इससे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। आप इसे पीछे वर्किंग नोट में कर दीजिए और कॉस्ट में सीधा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिख दीजिए, यानी कि उपभोग किए गए कच्ची सामग्री की लागत, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।